गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ फर्स्ट पेज में से ही आपको क्वेश्चंस करवा पाऊँगा। तो फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए कंपनी सेल टू डिफरेंट प्रोडक्ट ए एंड बी एंड मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹40 and ₹30 पर यूनिट ऑन प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बेचती है, एक ए तरह के और एक बी टाइप के, तो उनको कितने प्रॉफिट पर बेचती है? एक पर ₹40 प्रॉफिट है, एक पर ₹30 पर यूनिट, यानी एक ए जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट पर ₹40 प्रॉफिट है और बी जो प्रोडक्ट है उसके एक यूनिट पर ₹30 प्रॉफिट है। द टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन ए कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस विच हैज़ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मैन आवर्स। जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो एक कॉमन प्रोसेस के अंदर बनाए जाते हैं जिसमें 30,000 मैन आवर्स मिले हुए हैं, यानी 30,000 लोग, यानी जो आदमी हैं, आदमी कितने घंटे काम करेंगे? 30,000, यानी टोटल हमें 30,000 घंटे मिले हुए हैं। किसके घंटे मिले हैं? मैंस के, यानी 30,000 मैन आवर्स मिले हुए हैं। इट टेक्स 3 hours टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ प्रोडक्ट ए। ए का जो एक यूनिट बनता है उसको 3 घंटे लगते हैं बनने में, और 1 hour टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ प्रोडक्ट बी, और बी का एक यूनिट पर कितना घंटे लगते हैं? 1 घंटा। द मार्केट हैज़ बीन सर्वेड एंड कंपनी ऑफिशियल फील दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए दैट कैन बी सोल्ड इज 8,000। जो ए की जो मैक्सिमम नंबर यूनिट ऑफ यूनिट बेची जा सकती है तो कितनी है? 8,000, और बी की कितनी? 12,000। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPP। हमें अबव प्रॉब्लम को LPP की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है और सोल्व इट ग्राफिकली, और उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। टू फाइंड हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट, कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट बेचें ताकि प्रॉफिट को क्या हो? मैक्सिमम हो। अब नंबर ऑफ यूनिट ए की कितनी हो, नंबर ऑफ यूनिट बी की कितनी हो, ये नहीं पता, वो निकालनी है। तो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए दैट आर एक्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी वो हमने एज्यूम कर ली वाई। जो डाटा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जितना हम टेबल में लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो टेबल कैसे बनती है? तो प्रोडक्ट ए है हमारे पास, जो आइटम है उसको इस तरह से जिस जिससे वो बनते हैं उसको कॉलम वाइज। तो प्रोडक्ट ए है हमारे पास, प्रोडक्ट बी है, और यहाँ पे मैन आर्स हैं, मैन आर्स यानी आदमियों के घंटे हैं, यानी कितने घंटे आदमी के लगते हैं, यानी किसी एक पर्सन यानी इंसान के कितने घंटे लगते हैं प्रोडक्ट ए पर और प्रोडक्ट बी पर, और एक हमें पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो मैन आर्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा हमें। तो मैन आर्स देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें, हमने जहाँ तक पढ़ा है, एक तो हमें प्रॉफिट पता है और एक मैन आर्स पता है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मैन आर्स, तो टोटल मैन आर्स कितने हैं प्रोडक्ट ए के और बी पे जितने लगेंगे? तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है? 30,000 घंटे हैं हमारे पास आदमियों के। तो देखिए, द टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन कॉमन प्रोडक्शन जिसमें 30,000 घंटे आदमियों के मिले हुए। इट टेक्स 3 hours टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ ए, यानी ए प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं,
एंड 1 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी, और बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, यानी ए का 1 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स पर यूनिट, और बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर्स पर यूनिट। और जो एक प्रोडक्ट है उसके 1 यूनिट पर 40 रुपये प्रॉफिट और बी के 1 यूनिट पर 30 रुपये प्रॉफिट है, तो ये ₹40 है पर यूनिट और ये ₹30 है पर यूनिट। अब स्टूडेंट्स जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो उसको जेड एज्यूम करते हैं। लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमने जेड एज्यूम कर लिया, तो जेड किसके को होगा स्टूडेंट्स, 1 यूनिट पर 40 रुपये प्रॉफिट है, तो ए की कितनी यूनिट बनी है, एक्स यूनिट बनी है, तो एक्स पर कितना होगा 40x। इसी तरह से ए बी की 1 यूनिट पर 30 रुपये प्रॉफिट और बी की वाई यूनिट बनी है, तो वाई यूनिट पर होगा 30y। और ये देखिए स्टूडेंट्स ए प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो एक्स प्रोडक्ट पर कितने लगेंगे, क्योंकि ए के एक्स यूनिट बने हैं, तो एक्स पर लगेंगे 3x। और बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा है, तो वाई यूनिट पर कितने लगे, 1y, तो टोटल ये 1y यानी टोटल आर से ये कितने हैं, किससे ज़्यादा नहीं है, 30,000 से ज़्यादा नहीं मिले हुए हमें, तो मैक्सिमम 30,000 हैं, तो यानी ये किससे रहेंगे, 30,000 रहेंगे या 30,000 से लेस रहेंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी दैट कैन बी सोल्ड, दैट कैन बी सोल्ड जो बेची जा सकती है कितनी है, यानी 8,000 हैं और 12,000 हैं रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो हमने ए यूनिट की नंबर ऑफ यूनिट कितनी है एज्यूम की एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 8,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 8,000 ही ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 बिक सकती हैं, तो हम बनाएंगे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स 8,000 बनाएंगे। और बी की जो यूनिट है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बिक सकती है 12,000, तो यानी जो बी प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती 12,000, यानी वाई किससे लेस देन रहेंगे 12,000 या 12,000 से कम। और हमें पता है स्टूडेंट्स एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब हमें सो मैक्सिमम करना प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट है टोटल, तो ये बन गई मैथमेटिक फॉर्मूलेशन, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 40x प्लस 30y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये है मैन आर्स कंस्ट्रेन, मैन आर्स कंस्ट्रेंट्स, एक तो है ये 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 30,000, दूसरा है x इज लेस देन इक्वल टू 8,000 और जो y है इज लेस देन इक्वल टू 12,000 और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ग्राफिकली सोल्व करते हैं, तो ग्राफ ऑफ सबसे पहले कोरस्पोंडिंग हम क्या करेंगे, कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस क्या आएंगी, इक्वेशंस आर कौन कौन सी आएगी, एक आएगी 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 30,000, दूसरी आएगी स्टूडेंट x इज इक्वल टू 8,000 और y इज इक्वल टू 12,000 और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ये इक्वल का साइन आएगा स्टूडेंट, इक्वेशन है ना, तो इक्वल का साइन आएगा। तो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 30,000, तो इसका ग्राफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, वन एक्स इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 30,000 और y इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 10,000 और पुट 0,0 इन 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 30,000। जब 0,0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 30,000 इज ट्रू, सो लिखेंगे क्लोज हाफ प्लेन, क्लोज हाफ प्लेन कंटेन 0,0। अब स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ
एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8000, 8000 यानी एक्स की वैल्यू 8000 क्या होगी, एक्स एक्सिस पे होगी एक यानी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो लेस देन कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में होगी स्टूडेंट्स। तो क्लोज हाफ प्लेन इज लेफ्ट टू एक्स इज इक्वल टू 8000, यानी एक्स इज इक्वल टू 8000 क्या एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 12000, तो लिखेंगे क्लोज हाफ प्लेन, क्लोज हाफ प्लेन इज y इज लेस देन इक्वल टू 12000, y इज इक्वल टू 12000 एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस और उससे नीचे की ओर होगी y की वैल्यू 12000 से नीचे कम, इज बिलो टू y इज इक्वल टू 12000। ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स राइट साइड ऑफ द एक्स वाई एक्सिस, क्लोज हाफ प्लेन इज राइट टू एक्स इज इक्वल टू 0, और ग्राफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज हाफ प्लेन इज अबोव टू वाई इज इक्वल टू 0, अबोव टू वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सपोज करो ये 5000, 5000 का ले लेते हैं, ये 10000, ये 15000 और ये 20000 और ये 25000 और ये लिया 30000 और इसी तरह से इस साइड में ये 5000, ये 10000, ये 15000, ये 20000 और ये 25000 और ये 30000, ये है स्टूडेंट वाई एक्सिस। तो पहली देखते हैं फर्स्ट लाइन, जब एक्स की वैल्यू 0 है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 30000, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10000, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 30000, यहाँ पे पॉइंट वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10000, तो ये पॉइंट आया, तो इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगी हमारे पास लाइन, तो दिस इज फर्स्ट लाइन, इसको बाद में इरेज कर देंगे। दूसरी है स्टूडेंट एक्स इज लेस देन 8000, एक्स की वैल्यू 8000, ये 5, 6, 7, 8 यहाँ से होगी, तो सपोज यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 8000, तो इस लाइन का नाम है एक्स इज इक्वल टू 8000, यानी इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 8000, और वाई इज लेस देन इक्वल टू 12000, 12 है यहाँ पे स्टूडेंट, सपोज करो 10, 11, 12, तो इससे लेस देन होगी, तो यानी ये होगी हमारे पास वाई इज इक्वल टू 12000। तो स्टूडेंट्स यानी देखिए ये फर्स्ट जो लाइन थी ये कंटेन करती थी 0, 0 को, कंटेन करने का मतलब इस लाइन से नीचे की ओर होगा एरिया हमारे पास, तो यानी इससे नीचे की ओर, अच्छा इस ये जो x इज इक्वल टू 8000 है इससे लेस देन, यानी इससे भी साइड में एक ऐसे एरिया जो इस लाइन से नीचे हो, यानी और इस लाइन से इस साइड में और इससे भी नीचे हो, यानी ये वाला एरिया तो इससे ऊपर है, ये तो है, हो नहीं सकता स्टूडेंट, इसका मतलब इस लाइन से नीचे, इट मीन्स ये वाला हो गया और इस लाइन से इस साइड में होना चाहिए, ये वाला हो गया, इससे नीचे की ओर होना चाहिए, ये वाला हो गया, यानी ये भी नहीं है, क्यों नहीं है ये वाला, क्योंकि ये वाला एरिया इस लाइन से इस साइड में है, तो हमारा इस लाइन से लेफ्ट में होना चाहिए, और ये वाला एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एरिया जो ये फर्स्ट लाइन है इससे ऊपर है, तो ये भी एरिया नहीं है, तो ये हो गया ओ, इसको कह देते हैं हम ए, ये बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी इस लाइन से इस साइड में होगा, और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इससे ऊपर की ओर होगा, तो हमारे पास सो हेयर ओ ए बी सी डी ओ इज फिजिबल रीजन एंड इज बाउंडेड, बाउंडेड हेयर और यहाँ पे ओ कोमा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इस रीजन के क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट
कॉर्नर पॉइंट से इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ओ क्या है हमारे पास, ओ क्या हमारे पास जीरो जीरो है। ए कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 8000 है और वाई की वैल्यू जीरो, और बी बी हमारे पास हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन सी हमें पता है, सी भी नहीं पता, डी पता है। तो डी क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 यानी वाई की वैल्यू, एक्स वैल्यू जीरो है, वाई वाई की वैल्यू 12000 है। अब फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये किस किस का इंटरसेक्शन है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक तो है फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन और ये है सेकंड लाइन, इसको हमने सेकंड लाइन माना था और ये थी थर्ड। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट के लिए हम देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट थी और ये थी सेकंड और ये है थर्ड। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये बी किस किस का इंटर है, फर्स्ट का और देखिए फर्स्ट है और ये वाली लाइन है सेकंड। तो सोल फर्स्ट एंड सेकंड, सोल फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30000 और सेकंड है x इज इक्वल टू 8000। तो x की वैल्यू 8000 हम यहां पे रखेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 8000 प्लस y इज इक्वल टू 30000, सो y आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 30000 माइनस 8 से 24000, तो y आ जाएगा 6000। तो b पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 8000, 6000। अब देखिए c किसके इसका इंटरसेक्शन है, ये तीसरी लाइन है स्टूडेंट्स और ये है फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c हम किसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे हम फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स है हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है, x 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 30000 और थर्ड क्या है y इज इक्वल टू 12000। तो 3x प्लस y की वैल्यू 12000 रखी इज इक्वल टू 30000, तो 3x इज इक्वल टू 30000 माइनस 12000, तो आएगा 3x इज इक्वल टू 18000, तो 3 6 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6000। तो ये आ गया हमारे पास c पॉइंट 6000, 12000। तो अब जेड क्या था मेरे पास, जेड था हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था, जेड जेड था हमारे पास 40x प्लस 30y। अब जेड को मैक्सिमाइज करना है तो जेड निकालेंगे ऑन ओ 00, जेड ऑन ओ 00 यानी x वैल्यू 0 रखो y वैल्यू 0 रखो, तो जेड आएगा 40 × 0 प्लस 30 × 0, तो आया 0। तो जेड ऑन ए, ए कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास 8000, 0, तो x वैल्यू 8000 रखो, 40 × 8000 प्लस 30 × 0, तो आएगा जेड इज इक्वल टू 8 × 32, 1 2 3 4। और जेड ऑन बी, बी कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास 8000, 6000, तो आएगा जेड इज इक्वल टू 40 × 8000 प्लस 30 × 6000 32, यानी आया 320000 प्लस 3 6 18, 180000, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 0 0 8 2 10 3 1 4 1 5, 500000 आ गया स्टूडेंट्स। तो जेड ऑन सी, सी कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 6000, 12000, तो जेड रखेंगे तो 40 × 6000 प्लस 30 × 12000, तो ये आएगा 6 × 24, तो 24 1 2 3 4 5 6, 40 आएगा स्टूडेंट्स, ये 40 है ना, तो 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाए प्लस 12 36 2 3 4,
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3,60,000, 2,40,000, ये आ जाएगा 6 लाख। और जेड ऑन डी, डी कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 0,12,000, तो आएगा जेड इज इक्वल टू 14 × 0 प्लस 30 × 12, तो ये आएगा 12×36 3,60,000। तो जेड की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है स्टूडेंट्स, 6 लाख है कहाँ पे, सी पे। सो हम लिखेंगे सो जेड इज मैक्सिमाइज ऑन, कहाँ पे है ऑन, एक्स की वैल्यू 6,000 पे और वाई की वैल्यू कितनी पे, 12,000 पे। और मैक्सिमम जेड कितना है, मैक्सिमम जेड है स्टूडेंट्स हमारे पास, मैक्सिमम जेड आया 6 लाख। और सो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कितनी है, प्रोडक्ट ए आ गई हमारे पास 6,000। नंबर ऑफ यूनिट मानी थी ना मैंने ए, और वाई क्या था, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट भी, वो आ गई 12,000। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है हमारा 21 मिनट में हमने किया है, इट मीन्स इन सभी क्वेश्चंस पे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। यही कारण था कि मैंने इस एक्सरसाइज को नहीं करवाया था, तो मैं स्टूडेंट्स को खुद करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि जो 6.1 और 6.2 दोनों को मिक्स कर दें तो हमारी 6.3 बनती है, यानी 14.1 और 14.2 दोनों को अगर मिक्स कर दें तो 14.3 बनती है। 14.1 में तो हम स्टेटमेंट पढ़ करके यानी वर्ड प्रॉब्लम से हम इनइक्वालिटी बनाएंगे, यानी LPP बनाएंगे, और यानी जो LPP बनाएंगे, और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास हम उन LPP जो बने उनको सोल्व करते हैं ग्राफिकली। तो इस एक्सरसाइज में हमने LPP भी बनानी है, यानी फॉर्मुलेट भी करना है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करनी है, और उसके बाद हमने उसको सोल्व भी करना है, तो इसलिए इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हो सकता है इस एक्सरसाइज की उतनी ही वीडियो बने लगभग जितने इसमें क्वेश्चंस हैं, यानी अगर क्वेश्चन इसमें देखते हैं कितने हैं, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन भी इसमें तो बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट, 27 क्वेश्चन है, मीन्स कम से कम मिनिमम अगर हम कहें तो 12 से 13 वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, अगर सभी क्वेश्चंस को मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर आप छोड़ देते हो क्वेश्चन, जबकि मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आराम से हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका, ए मैन्युफैक्चर प्लान टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन इन हीज वर्कशॉप, टाइप ए मशीन कॉस्ट ₹800 एंड ऑक्यूपाई 3 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर स्पेस। एक मैन्युफैक्चरर दो मशीन को इंस्टॉल करना चाहता है, जो ए तरह की मशीन है वो ₹800 की पड़ती है उसको, और 3 स्क्वायर फीट का जो स्थान है उसको ऑक्यूपाई करती है, और टाइप बी वाली मशीन है जो ₹1,600 की पड़ती है और कितना स्पेस लेती है, यानी 1/2, यानी 3/2 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस वो लेती है, 2 2 2 + 1 3/2 स्क्वायर फीट वो लेती है। ही कैन स्पेंड ₹20,000 ऑल टुगेदर एंड द स्पेस अवेलेबल इज 30 स्क्वायर मीटर। टाइप ए टर्न आउट ऑफ 10 कंपोनेंट, उसके पास ₹20,000 लगाने के लिए टोटल, और 30 स्क्वायर फीट है उसके पास जगह मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। टाइप ए जो टर्न आउट है 10 कंपोनेंट पर आवर्स पर आवर, और वेयर आर टाइप बी 15 पर आवर। जो टाइप ए है वो कितना कंपोनेंट देती है एक घंटे में, 10, और वो जो बी वाली है टाइप बी की जो मशीन है वो 15 कंपोनेंट एक उसमें देती है घंटे में। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल हिम टू हैव एटलीस्ट 3 मशीन, जो ट्रेड करने वालों की रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम 3 मशीन तो उसके पास ए तरह की होनी चाहिए, और 4 मशीन कितनी कौन सी होनी चाहिए, कम से कम बी तरह की। हाउ मैनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड ही इंस्टॉल टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करने के लिए उसको कितनी तो ए तरह की मशीन करनी लेनी पड़ेगी और कितनी बी तरह की। तो देखिए स्टूडेंट्स आउटपुट को मैक्सिमम करना है, तो नंबर ऑफ हम देखते हैं कि ए टाइप ऑफ मशीन कितनी इंस्टॉल करता है। लेट नंबर ऑफ मशीन
ऑफ टाइप ए हमने कितनी एज्यूम कर ली, टाइप ए एक्स, और टाइप बी कितनी एज्यूम कर ली हमने, वाई। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे डाटा को, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टाइप ए मशीन है और यहाँ पे टाइप बी मशीन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट है जो टाइप ए मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है, रुपीज 800 पर मशीन। और टाइप ये कितने की है स्टूडेंट्स, रुपीज 1600 पर मशीन। और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है उसके पास, अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वो है स्टूडेंट्स हम उसके पास 20,000 पे इन्वेस्ट करने के लिए रुपीज 20,000। और ये कॉस्ट है। और ये स्पेस, स्पेस कितना लेती है स्टूडेंट्स, ये लेती है स्पेस जो टाइप ए है मशीन है, 3 स्क्वेयर फीट, 3 स्क्वेयर मीटर पर मशीन, यानी एक मशीन लेती है। और ये लेती है 1 and 1/2, यानी 3/2 स्क्वेयर मीटर पर मशीन। और मैक्सिमम स्पेस कितना उसके पास, 30 स्क्वेयर मीटर। और स्टूडेंट्स देखिए, और आउटपुट कितनी है इसके बाद, आउटपुट है, आउटपुट है, उसके पास ये 10 कंपोनेंट है पर आवर, 1 घंटे में जो ए मशीन है वो 10 कंपोनेंट आउटपुट देती है पर आवर। और ये 1 घंटे में कितने, 15 कंपोनेंट पर आवर देती है। इसके अलावा एक चीज़ और लिखनी रहेगी स्टूडेंट्स, उसको ना ट्रेड की जो रिस्ट्रिक्शन है वो टाइप ए की मशीन कम से कम 3 चाहिए और टाइप बी की कितनी चाहिए, 4 मशीन चाहिए। तो हमें मैक्सिमम आउटपुट को करना है, लेट जेड बी दी टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट। तो जेड को मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स, तो जेड किसके इक्वल होगा, टोटल आउटपुट किसके इक्वल होगी, देखिए जो ए तरह की एक मशीन कितने 10 कंपोनेंट प्रोड्यूस करती है, तो एक्स मशीन कितने करेगी, हमारे पास एक्स मशीन तो 10x। और बी तरह की एक मशीन 15 कंपोनेंट प्रोड्यूस करते पर आवर्स, तो वाई, वाई मशीन कितने करेगी, 15 × y, टोटल आउटपुट कितने होगी, प्लस कर देंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वो लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल हिम टू एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ए, यानी कंपेल हिम टू इंस्टॉल एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ए एंड 4 मशीन ऑफ टाइप बी। टाइप ए की 3 मशीन और टाइप बी की 4 मशीन उसको चाहिए। यानी ए तरह की मशीन कितनी बनाई है उसने, एक्स, एक्स इंस्टॉल की है, तो एक्स की जो वैल्यू है कम से कम कितनी हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा। और वाई की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी, 4 हो, 4 से ज़्यादा हो। और कॉस्ट की कंस्ट्रेंट बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक मशीन पर कितना खर्चा है, 800 रुपये, तो एक्स मशीन पर कितना आएगा, 800x। बी तरह की एक मशीन पर 1600, और वाई मशीन पर कितना आएगा, 1600y। तो टोटल उसने वाई मशीन खरीदी है ना, परचेज की है, और टोटल खर्चा कितना आएगा, यानी ये खर्चा किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 20,000, क्योंकि उसके पास टोटल पैसे ही 20,000 रुपये हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8x + 16y इज लेस देन 200 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी अब यहाँ से हम
8 से भी कैंसिल हो सकते हैं, 8 8 से कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस 2 वाई आ जाएगा। 8 से जब कैंसिल हो जाएंगे तो 8 2 16, 8 5 40 25, तो यह हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया। यानी ये किसका कंस्ट्रेंट है? कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। अब इसके बाद स्पेस कंस्ट्रेंट क्या है? एक मशीन 3 स्क्वेयर फीट जो स्थान है वो ऑक्यूपाई करती है, तो एक्स मशीन कितना करेगी? 3x² फीट। और जो बी तरह की एक मशीन है 3/2 स्क्वेयर मीटर ऑक्यूपाई करते, वाई मशीन कितना करेगी? 3/2 y। और ये स्थान है जो टोटल वो है जो स्पेस उसके पास क्या है? 30। यानी टोटल 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पेस, तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 6x आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 y, और ये आ जाएगा लेस देन 60। ये 2 LCM होकर के दूसरी साइड चला जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन ना, ये है स्पेस कंस्ट्रेंट्स। और एक्स और वाई क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन 0 रहेगा। हमें आउटपुट को मैक्सिमम करना है। आउटपुट ये है हमारे पास। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 10x+15y। इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से बने स्टूडेंट्स? एक तो बना है हमारे पास ये, देखिए x+2y इज लेस देन इक्वल टू 25, x+2y इज लेस देन इक्वल टू 25। दूसरा बना है हमारे पास ये देखिए 6x+3y, 6x+3y इज लेस देन इक्वल टू 60। और थर्ड है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। और फोर्थ है y इज ग्रेटर देन 4, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन वो आएगी x+2y इज इक्वल टू 25, 6x+3y इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x और y इज इक्वल टू 0। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं स्टूडेंट्स इनको जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। x+2y ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ ऑफ x+2y इज लेस देन इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 0, y आ जाएगा 12.5, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 25। 0 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट 0 0 इन x+2y इज लेस देन इक्वल टू 25। तो 0 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 25 इज ट्रू। सो कंटेन क्या करेगा? कंटेन 0 0 को, 0 0 कंटेन करेगा। अब ग्राफ ऑफ 6x+3y इज लेस देन इक्वल टू 60, तो x 0 y 20, y 0 x 10। तो पुट 0 0 करें, 0 0 पुट करें 6x+3y इसमें लेस देन 60 में, तो आ जाएगा 0 इज लेस देन 60 इज ट्रू। सो कंटेन करेगा ये भी 0 0 को, कंटेन 0 0। और x इज ग्रेटर देन 3 मीन्स राइट टू x इज इक्वल टू 3, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स y इज ग्रेटर देन 4, 4 है अबोव 2, y इज इक्वल टू 4 होगा। और x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट टू x इज इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबोव 2, y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए फर्स्ट करते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 है, ये देखिए वाई की वैल्यू 12.5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 25। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 12.5, यहाँ पे पॉइंट, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 25, ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट लाइन, तो इसको फर्स्ट लाइन कह दिया स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है स्टूडेंट्स। और ये कंटेन करते हैं तो यानी इस लाइन से इस नीचे वाला होगा एरिया, ये पता चल गया। अब सेकंड है स्टूडेंट्स, हम सेकंड देखते हैं।
एक्स वैल्यू जीरो, वाई वैल्यू 20, वाई वैल्यू जीरो एक्स वैल्यू 10, एक्स वैल्यू जीरो वाई वैल्यू 20 ये पॉइंट, वाई वैल्यू जीरो एक्स वैल्यू 10 ये पॉइंट। तो इसके बाद ये हमारे पास सेकेंड लाइन, तो ये फर्स्ट थी, तो ये है सेकेंड लाइन, और ये भी कंटेन करती है, इट मीन्स एक ऐसा एरिया जो इससे भी नीचे हो और इससे भी नीचे, दोनों से नीचे हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला एरिया नहीं है। अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स वैल्यू 3, एक्स वैल्यू 3 यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इससे ग्रेटर देन मीन्स जो ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन आई है इससे ग्रेटर देन, यानी एक ऐसे एरिया जो इससे नीचे हो, इससे नीचे हो, इससे ग्रेटर देन मीन्स ये वाला स्टूडेंट, इसका मतलब ये वाला भी नहीं रहा और ये वाला भी नहीं रहा। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, थर्ड है। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4, 4 यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, ये सपोज करो 4 है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी इससे ऊपर है, y की वैल्यू 4 है तो इससे ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ लाइन है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ लाइन है और ये y इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मैं y इज इक्वल टू 4 है और यह x इज इक्वल टू 3। तो एक ऐसे एरिया जो इस लाइन से नीचे, इससे नीचे, इससे इस साइड में और इससे ऊपर, तो यानी इससे ऊपर वाला कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया, तो यानी ये नीचे वाला पार्ट भी नहीं है, तो ये भी रफ कर दिया, इट मीन्स जो ये मेरे पास ये शेडिड रीजन है, देखिए जो मैंने पेन के साथ शेडिड किया है, दिस इज आर रिक्वायर्ड रीजन, तो इसको ए बी सी डी, तो ये क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रीजन, सो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन एंड इज बाउंडेड, एंड इज बाउंडेड, ये बंधा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसके कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बी के, सी के और डी के, ये निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो ए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है, और वाई की, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4, तो a कितना है, तो a के कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया 3 4। b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये b है हमारे पास, तो b किसके इंटरसेक्शन है, एक तो ये फर्स्ट लाइन है और ये है हमारे पास थर्ड लाइन, तो फॉर b के कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b सोल्व करेंगे, सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड, तो हेयर हेयर ए बी सी डी लिख देंगे, ए बी सी डी आर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, तो इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट है ना ए बी सी डी, तो बी के कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, तो थर्ड लाइन है हमारे पास, थर्ड लाइन है एक्स इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन है हमारे पास एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू 3 रखें तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 25, तो 2y इज इक्वल टू 22, तो y आ जाएगा 11, तो y की वैल्यू आ गई 11, तो यानी b जो पॉइंट आया वो आया 3, 11। अब c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सी लाइन है, फर्स्ट है और ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये है सेकंड, ये देखिए फर्स्ट है और ये है सेकंड, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, फॉर कोऑर्डिनेट नेट ऑफ c सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 25 और थर्ड सेकंड है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सोल्व करें तो x अपॉन y अपॉन और माइनस 1 अपॉन, डायरेक्ट करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पे मैं जो ये 1 है इसके आगे 1 है, 1 को और 2 को और यहाँ 6 को और 3 को दोबारा लिख लूँगा, तो x अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 1 है तो 1 x अपॉन x वाले को कवर करो, 60 दूनी 120 माइनस 25 दिया 75, y अपॉन आएगा 25 छिका 150 माइनस 60 एकम 60 और 1 अपॉन 3 माइनस 6 दूनी 12, तो x अपॉन 120 माइनस 75 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 45, y अपॉन आ जाएगा हमारे पास 90 और माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 3 माइनस 12 माइनस का 9 इससे ये कैंसिल, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 45/90 और y आ जाएगा 90/9, तो 9 2 90 9 5 45, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास c पॉइंट यानी 5, 10। फोर कोऑर्डिनेट ऑफ d
डी के कोऑर्डिनेट इसको बाद में हम रफ कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी किस किस का इंटरसेक्शन है देखिए, ये तो हमारे पास फोर्थ लाइन, ये देख सकते हो आप फोर्थ लाइन ये लिखा हुआ फोर, और यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है फर्स्ट, ये वाली लाइन है सेकंड, फोर्थ और सेकंड को सोल, फोर्थ एंड सेकंड। तो सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड है मेरे पास स्टूडेंट्स 6x+3y इज इक्वल टू 60, और फोर्थ है y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 4 रखें, 6x+3 × 4 इज इक्वल टू 60। तो 6x इज इक्वल टू 60 − 12, तो 6x इज इक्वल टू 48, तो 6 × 8 = 48, तो x इज इक्वल टू 8, तो d आया हमारे पास 8,4। सो z क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, z था 10x+15y। तो z निकालते हैं ऑन a 3,4 पे, तो x की वैल्यू 3 रखें, 10 × 3 + 15 × 4, 10 × 30 = 15 × 60, तो 90 आया। तो z ऑन b, b कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 3,11, तो 10 × 3 + 15 × 11, तो 30 + 15 = 165, तो 195 आया। तो z ऑन c, c आया 5,10, तो 10 × 5 + 15 × 10, 15 × 150, 10 × 5 = 50, तो यह 200। तो z ऑन d 8,4, तो 10 × 8 + 15 × 4, 80 × 15 = 60, 140। तो z इज मैक्सिमाइज ऑन कहाँ पे है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 200 है 5 पे और 10 पे, यानी x इज इक्वल टू 5 पे और y इज इक्वल टू 10 पे, और मैक्सिमम z कितना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम z आया हमारे पास वो आया 200। तो x क्या था, नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप ए, नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप ए ए इंस्टॉल कितनी इंस्टॉल होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 5, और बी तरह की कितनी होगी हमारे पास 10। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।